हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द फसली चैनल में एक बार फिर से। और आज का हमारा वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात एंड समानुपात का पार्ट वन है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, आज का पहला वीडियो है हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पी रेशियो क्यू बराबर 2:3, क्यू रेशियो आर बराबर 2:1 है, तो पी रेशियो आर निकालना है हमें। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, पहले हम क्या रखेंगे, हम पहले P रखेंगे, फिर Q रखेंगे, फिर R लिखेंगे। ओके, तो देखिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। देखो P बराबर कितना है, 2 है। रेशियो Q बराबर कितना है आपका, 3 है। और R का कितना है, अब दूसरा देखते हैं हम Q रेशियो R कितना है। तो Q के नीचे ही दूसरा लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q का रेशियो कितना है यहाँ पर, Q का रेशियो 2, रेशियो और आर का रेशियो है हमारा 1। अब हमने ये लिख लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसके आगे जो खाली जगह है और इधर भी खाली है, तो हम क्या करते हैं, जो खाली होता है उसी को आगे बढ़ाते हैं, जो नंबर पहले होता है उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जैसे 3 है तो 3 को ही यहाँ बढ़ाएंगे आगे, ये 2 है यहाँ पर तो इसको 2 को यहाँ आगे बढ़ा देंगे। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, 2 2 जा 4 रेशियो और 3 2 जा 6 रेशियो, 3 1 जा 3 ये आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पी रेशियो आर पूछ रहा है दोस्तों, है ना। तो ये क्या आ गया, पी का उठाएंगे हम 4 रेशियो और आर का कितना है, 3। यही हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पी रेशियो क्यू बराबर 5:3 है, आर रेशियो क्यू बराबर 5:4 है, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर हमें निकालना है। ओके, तो देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे इसको, वही हमारा सेम फॉर्मेट है। हम लिखेंगे कैसे, क्या यहाँ पर पी लिखा रेशियो क्यू रेशियो आर। ओके, अब देखो पी रेशियो क्यू कितना है, 5:3 लिखा हमने। अब आगे दे रहा है हमारा आर रेशियो क्यू, तो हम जो आर को आर रेशियो क्यू दे रहा है, तो आर कितना है, तो हमारा Q का लिखेंगे हम, Q का 5 है तो 5 इसके नीचे लिख देंगे रेशियो। और R का कितना है, R का हमारा है, R का हमारा 5 सॉरी Q का 4 है और R का हमारा 5 है। अब हम वही सेम चीज़ करेंगे कि यहाँ 3 को आगे बढ़ा लेंगे इधर और 4 को आगे बढ़ा लेंगे इधर। देखिए 5 4 20 रेशियो, 4 3 12 रेशियो, 5 3 15। अब ये हमारा आ गया 20:12:15। ओके, अब हमें क्या निकालना है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर निकालना है। 20 12 और 15 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो कहाँ है हमारा थर्ड आंसर इज द राइट है, 20 12 और 15 यही हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और किस इसी तरीके का। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए रेशियो बी बराबर 3:4 तथा वी रेशियो सी बराबर 5:6 हो, तो ए सी का मान हमको बताना है। ओके, ऑप्शन हमारे दिए 5:8, 6:7, 3:5, 5:9। ओके, तो हम सेम फॉर्मेट वही अपनाएंगे। हमने लिखा है यहाँ पर ए रेशियो वी रेशियो सी। ओके, तो ए रेशियो वी क्या है हमारा, 3:4 है। अब हम बोल रहा है वी रेशियो सी क्या हमारा, तो देखो वी है जो, वी रेशियो कितना, 5:6 है, तो हमें क्या करना है, तो वी का जो रेशियो है 5, तो वी के नीचे ही लिखेंगे रेशियो हमारा। सी का रेशियो कितना है, 6 है, तो हम 6 लिख देंगे। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया कि आगे जो जगह खाली पड़ी हुई है तो उसके जो पहले वाला जो नंबर आता है जस्ट उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो इसको हम 4 को, फॉर सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हमें याद रखना है कि हमारा कोई मकान होता है तो हम मकान के आगे जो हमारा ज़मीन खाली होती है तो किसका होता है, हमारा ही होता है, हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सेम उसी तरीके से जो हमारा आगे जगह खाली पड़ी उसके सामने उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जस्ट अ 4 यहाँ हम आगे बढ़ा देंगे 5। अब देखिए 5 3 जा 15 रेशियो, 5 4 20 रेशियो, 6 4 24 ये हमारा बन गया। अब हमसे वो पूछ रहा है ए रेशियो सी पूछ रहा है,
तो ए का कितना आया है 15, रेशियो 24 आ गया। ओके तो हमारा बन जाएगा ये, तो इसको हम काट देंगे 3 से, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 14, हमारा 5:8 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर है 5:8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि m:n बराबर 3:2 हो तो ब्रैकेट में 4m + 5n = 4m - 5n का मान क्या होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, ये 4m + 5n ब्रैकेट रेशियो 4m - 5n। ओके तो हम क्या करेंगे, 4 का * m का रेशियो कितना है 3 है, प्लस 5n का कितना मान है 2, रेशियो लगाएंगे यहाँ 4m = 3 - 5n = 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 * 12 + 5 * 10 रेशियो 4 * 12 - 5 * 10। ओके अब दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 12 और 10 कितना हो गया, 4 * 12 = 12 और 10 कितना हो गया 22 हो गया, रेशियो 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हम इसको कट कर देंगे, 2 * 2 और ये आ जाएगा 11, यानी कि हमारा रेशियो आ जाएगा 11:1, ये हमारा मान आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यदि x/5 = y/8 हो तो x + 5 = y + 8 का मान क्या होगा। तो देखो ये जो हमारा दिया हुआ है x/5 और y/8, तो क्या है इसका मतलब है कि x का मान कितना है 5 है और y का मान कितना है 8 है। ओके y का मान कितना 8 है, तो हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है ओनली, कुछ नहीं करना। तो देखिए x हमारा x + 5 = y + 8 दिया हुआ है, तो x का कितना है 5 दिया हुआ है, 5 + 5 = y का मान कितना वो दिया हुआ है यहाँ पर 8 दिया हुआ है, जो कि y/8 लिखा हुआ है, तो y का मान 8 हो गया प्लस 8 हो गया। ओके अब 5 और 5 कितना होगा दोस्तों, 5 + 5 = 10 रेशियो 8 + 8 कितना होता है 16, 2 * 5 = 10 और रेशियो 2 * 8 = 16, यानी कि 5:8 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसमें चेक करेंगे हम तो ऑप्शन 4 इज द हमारा राइट आंसर है। ओके उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 3a + 5b = 3a - 5b = 5:1 हो तो a:b का मान होगा। ऑप्शन दिए हमारा 2:1, 5:3, 3:2, 5:2 दिया। तो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, 3a + 5b अपॉन में रख सकते हैं रेशियो है तो 3a - 5b ओके = 5/1 लिख सकते हैं इसको। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3a, हम इसमें क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3a + 5b = 5 * 3 कितना हो गया, 5 * 3 हमारा हो जाएगा 15 और a - 25 b हो जाएगा। ओके अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये क्या है, ये अब हमारा प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 a बन जाएगा। इसको मैं इधर कर देता हूँ, हमारा यहाँ क्या बन जाएगा 12a बराबर, और इसमें से -25 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा,
और ये ऑल प्लस का है तो क्या हो जाएगा 30b। ओके, तो हमारा बन जाएगा a अपॉन बी बराबर 30/12। ओके, 30/12 बन गया। अब इसको बराबर हम कट करेंगे तो 6 × 6 = 30 और 6 × 12 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि रेशियो हमारा आएगा 5:2। आंसर ऑप्शन हमारा 4th इज राइट आंसर। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे आगे कर भी देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। x रेशियो y बराबर 3:5 हो तो tan x + 3y = 5x + 2y का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, वही हम वैल्यू पुट करेंगे, या हम लिखेंगे tan x + 3y = 5x + 2y। ओके, हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब tan x की वैल्यू क्या दी है, x बराबर 3 दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे, प्लस 3 × y की वैल्यू दी हमारी 5। ओके, रेशियो ऐसे इधर 5 × 3 प्लस 2 × 5। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 10 × 30 हो गया प्लस 3 × 5 = 15 रेशियो 5 × 15 प्लस 2 × 5 = 10। ओके, दोनों प्लस वाली वैल्यू है दोस्तों, तो हम इसको इधर सॉल्व करते हैं आगे। तो 30 × 15 कितना हो गया, 45 हो गया। रेशियो 10 × 15 कितना हो गया, 25 हो गया। ओके, अब इसको हम 5 की टेबल से कट करेंगे, 5 × 5 कितना होता है 25 और 5 × 9 = हमारा हो जाता है 45। तो हमारा आंसर बन जाएगा 9:5। हमारा ऑप्शन 3rd इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। a = b/2:3 तथा x = y/3:4 हो तो 4ay − 3bx / 5ax − 2by का मान होगा। तो हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है ओनली। तो हम पहले यहाँ पर वही लिख लेते हैं, 4 देखिए a की वैल्यू क्या दी है हमारे दोस्तों, a की वैल्यू दी है 2, तो into y की वैल्यू दी है हमको, y की वैल्यू दी है हमको 4, तो हमने 4 लिखा है यहाँ, −3। देखिए b की वैल्यू दी है हमारी 3 × 3 और x की वैल्यू दी है हमको 3 × 3 अपॉन में 5 × a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू है हमारी 2 और x की वैल्यू 3 है, फिर माइनस का दिया हुआ है, फिर 2 हो गया। अब b की वैल्यू दी है हमको, b की वैल्यू 3 × y की वैल्यू हमको 4। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए 4 × 8 = 32 −3 × 9 = 27 5 × 10 = 30 −2 × 6 = 24। ओके, 32 में से 7 जब जाएगा हमारा कितना बच जाएगा दोस्तों, 32 में 7 जाएगा तो 3 × 2 = 5 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि 5/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2nd इज़ द राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया हो आज का वीडियो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इसका पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगा, 2 और 3rd और भी पार्ट बनेंगे। थैंक यू।